स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रुप टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ इंग्लिश वर्कशीट नंबर फोर्टी फोर टूडेज वर्कशीट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान तो है ही साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों का साम्राज्य एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द कन्नड़ फोक टेल एक कन्नड़ लोक कथा है उस पर बेस्ड है ये स्टोरी and in this story we will find out that why that kingdom was known as the kingdom of fools ki use murkhon ka samrajya kyon kaha gaya to we find out karenge story mein after that we will discuss the question answer let's begin chaliye shuruat karte hain जैसा कि आप अपनी screen के ऊपर देख पा रहे हैं this is worksheet number 44 our subject english and date 15th of october 2020 डियर स्टूडेंट लेट्स रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फोल्स तो चलिए हम पता लगाते हैं कि ये किंगडम ऑफ फूल्स क्या था और क्यों इसको किंगडम ऑफ फुल कहा गया किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फॉक एक कन्नड़ फॉक है ये कन्नड़ लोक कथा है द किंग इन दिस स्टोरी वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन जो किंग थी वो कुछ नया करना चाहते थे एंड फॉर दैट पर्पज कि कुछ नया करने के चक्कर में क्या किया उन्होंने ही ऑर्डर ऑल द पीपल टू स्लिप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट उन्होंने ऑर्डर दिया सभी लोगों को कि दिन में हमें सोना है और रात को काम करना है ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड एट वेरी चीप रेट साथ ही साथ उन्होंने एक मार्केट को इंट्रोड्यूस किया और उस मार्केट में सब कुछ बेहद सस्ता मिलता था द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज जस्ट वन डू और प्राइस जो था किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक दो जो कि वहाँ की उस वक्त की करेंसी रही होगी कर्नाटका की कन्नड़ एरिया की तो वो था अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल इंजोर्ड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर ए शॉर्ट वाइल एक गुरु थे दैट वॉज क्वाइट वाइज काफ़ी वाइज थे और उनके एक शिष्य थे वो वहाँ पर रहे थे काफ़ी टाइम के लिए ओके फॉर ए शॉर्ट वाइल ज़्यादा लंबे समय भी नहीं हुआ था बट द गुरु सुन रिलाइज दैट स्टेइंग इन सच ए प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर लेकिन गुरु बिकॉज ही वॉज वाइज क्योंकि वो समझदार था तो उन्हें रिलाइज हुआ कि ऐसी जगह पर रहना सेफ और सिक्योर नहीं है बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम क्योंकि किंग और मिनिस्टर्स कुछ फुलिश यानी कि मूर्ख तरीके के अजीब से डिसीजन वो ले रहे थे बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज़ ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे इट लेकिन जो डिसिपल है ही डिसाइडेड टू स्टे देयर वो डिसाइड करता कि मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि उसे लगा कि ये तो कम्फी कम्फर्टेबल प्लेस है कैसे बिकॉज ही स्टेट एंड एन्जॉयड एवरी थिंग एट फॉर ए दू यानी कि वो सब कुछ वहाँ पर काफ़ी चीप था काफ़ी सस्ता था तो इसलिए डिसिप्लिन क्या करता है ही डिसाइडेड टू स्टे देयर वहीं पे रहना पसंद करता है एंड सून ही बिकम फैट मोटा हो जाता है खा खा कर क्योंकि सब कुछ सस्ता था ऑन वन ओकेजन एक बार ऐसा होता है थीप्रोक अवॉल टू लोट ए मर्चेंट अ थीप्रोक अवॉल एक वॉल यानी कि घर में जाता है किसके लिए टू लोट ए मर्चेंट एक मर्चेंट को लोटने के लिए द वोल क्लैप्स एंड द थी टाइट दीवार गिर जाती है एंड चोर जो थीफ था वो मारा जाता है द थीप्स ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर थीप ब्रदर हैं वो कंप्लेन करते हैं हाउ आर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कूडेंट डिसाइड हु वॉज गिल्टी हालांकि दे सम ए लॉट ऑफ पीपल काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता है एंड दे पुट द ब्लेम ऑन अनदर वन वो ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं सच दे कोल्ड मर्चेंट दे कोल्ड द ब्रिकलेयर और द मेसन दे कोल्ड द डांसिंग गर्ल दे कोल्ड द गोल्ड स्मिथ तो काफ़ी सारे लोगों को बुलाते हैं बट इवन इन द एंड द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर नॉट एबल टू डिसाइड वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन गिल्टी है दे जस्ट डिसाइडेड सम वन मस्ट बी पनिश टू डेथ बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज बस सिर्फ एक चीज डिसाइड करते हैं बिकॉज दे वर फुलिश क्योंकि मुर्ख थे वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को लटकाना है ओके किसी को हमें सजा देनी है चाहे कोई भी हो बिकॉज दे वर अनेबल टू डिसाइड कि डिसाइड तो नहीं कर पाई लेकिन एक चीज डिसाइड कर ली कि किसी को हमें सजा देनी है पनिश टू डेथ उसको मारना है लटकाना है बट द साइज ऑफ द स्टैक वॉज टू लार्ज लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी जो फंदे का साइज था वो काफी बड़ा था सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू सम वन एंड द डिसपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टैक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ इज लेकिन क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी को तो हमें पनिशमेंट देनी है सो द डिसिपल वॉज अरेस्टेड डिसिप्लिन को अरेस्ट कर लिया गया ऑल दो ही वॉज इनोसेंट क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन क्यों अरेस्ट किया गया बिकॉज ही वॉज़ टू फैट एंड ही वॉज़ फिट टू द स्टेक क्योंकि फंदे में उसकी गर्दन फिट आ रही थी एंड लकीली द वाइस गुरु रिटर्न लेकिन तभी वाइस गुरु वह वहाँ पर आ जाते हैं एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाई मेकिंग ए क्लेवर प्लान और एक क्लेवर प्लान बनाते हैं और उससे अपने डिसिपल को बचा लेते हैं द किंग एंड द मिनिस्टर हंग दम सेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द ग्रू एंड द डिसिपल और उस प्लान के तहत उस जो क्लेवर प्लान था क्लेवर प्लान के तहत क्या डिक्लेयर कर देते हैं दे बिगेन टू फाइट यानि कि दोनों लड़ने लगते हैं डिसिप्लिन एंड ग्रू आपस में कि मैं पहले फांसी के फंदे पर चढ़ूँगा अब किंग एंड द मिनिस्टर्स फॉर फुलिस क्योंकि वो तो मूर्खी थे तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है सो द वाइज गुरु टोल्ड हिम दैट दैट हु इज़ गोइंग टू डाई टू नाइट कि जो इस रात मरने वाला है फर्स्ट डाई टू नाइट के जो पहले मरेगा यहाँ पर फंदे पे लटक के ही इज़ गोइंग टू बोर्न एज ए किंग आफ्टर द डेथ यानी कि वो जन्म के बाद दोबारा जब जन्म लेगा रीबर्थ लेगा होगा उसका तो वो किंग ही बनेगा सो इन दिस वे दे मेक ए क्लेवर प्लान तो एक क्लेवर प्लान बनाते हैं और कैस क्लेवर प्लान के बाद क्या होता है कि द किंग एंड द मिनिस्टर्स हंग दम सेल्फ दोनों अपने आप को लटका लेते हैं रिलीजिंग द ग्रू एंड द डिसिपल द पीपल क्राउन द ग्रू एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर्स और लोग दे वर टू हैप्पी बिकॉज फाइनली देट रीड ऑफ दट फुलिस मिनिस्टर एंड द किंग से पीछा छूट जाता है सो दे क्राउंड गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एट द मिनिस्टर उनको बना देते हैं तो यह थी एक छोटी सी स्टोरी जिसके हमने समराइज किया इसको समरी को समझा द किंगडम ऑफ फोल्स नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ज देयर वट न्यू स्कीम्स डिड द एडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड इन ही स्टेट लेकिन हम इन क्वेश्चन आंसर से पहले हम जो एम सी क्यूज दिए गए उनको डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर फर्स्ट वन इज देयर हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट यानी कि किसको लटकाया जाता है उस रात तो आंसर रहेगा किंग एंड द मिनिस्टर फोर्थ वन बी हाउ मैनी पीपल वर कंस्डर्ड टू बी पनिश्ड तो टोटल फोर पीपल थे जिनको कंसीडर किया गया था उनमें मर्चेंट डांसर गर्ल एंड मेसन गोल्ड स्मिथ उनको कंस्टर किया गया था सी वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल? डिसिपल को लटकाने का डिसीजन लिया गया था वाई बिकॉज ही वॉज फैट एंड फिट टू द स्टैक। डी है हु बिकम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंग किंगडम कौन बने थे गुरु एंड द डिसिपल अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट जो नया जो इडियट किंग है वो कौन सी नई स्कीम लेके आता है ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट सेकेंड क्वेश्चन इज देयर वाई डिड द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द ग्रू डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ कि डिसिपल तो ये डिसाइड करता कि मैं यहीं रुक जाऊं और द वाइज गुरु डिसाइड दैट दिस प्लेस इज नॉट सेफ क्यों द गुरु डिडेंट थिंक इट वाइज टू स्टे इन ए किंगडम ऑफ फोर्स गुरु को लगा कि मूर्खों के किंगडम में रहना ठीक नहीं है बट द डिसिपल स्टेड ऑन बिकॉज एवरी थिंग वॉज चीप देयर क्योंकि सब कुछ सस्ता था थर्ड क्वेश्चन इज देयर हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक जो शिष्य है डिसिपल है उसको कब रिलाइज हुआ कि उसने वहाँ रह करके गलती कर दी डिसिपल रिलाइज हिज मिस्टेक वेन ही वॉज अरेस्टेड डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज उसकी कोई गलती नहीं थी तब भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है फोर्थ क्वेश्चन इज देयर विच क्लेवर ट्रिक डिड द ग्रुप प्ले टू सेव हिज डिसिपल अपने डिसिपल को बचाने के लिए वो क्या ट्रिक प्ले करते हैं द ग्रुप सक्सीडेड इन गेटिंग रीड ऑफ द फुलिश किंग बाय बी फोलोइंग दम उनको मूर्ख बना करके उनसे पीछा छुड़ाते हैं ही कन्विंस द किंग दैट द पर्सन टू डाई फर्स्ट एट द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस वुड बी रीबोर्न एज किंग उनको कन्विंस कर लेते हैं कि जो आज रात सबसे पहले इस फंदे पे झूलेगा वो रिबॉर्न होगा उसका दोबारा जन्म होगा एज ए किंग एंड इन दिस वे दे गेट द रिड ऑफ बोथ मिनिस्टर एंड द किंग सो दैट्स द क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मैंने जो आपके एम सी क्यूज़ हैं उनके आंसर्स भी दे दिए गए सो दैट यू कैन राइट डाउन इन योर नोट बुक आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी थैंक यू बाय बाय है नाइस डे